कई लोगों के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है कि वो पूर्व जन्म में क्या थे। हिंदू धर्म के लोग पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं। गीता और वेद पुराण में भी इसका जिक्र है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार चलिए बताते हैं आपको कि पूर्व जन्म के रहस्य क्या है। बता दें आपको कि ज्योतिषाचार्य के अनुसार पूर्व जन्म एक अनुमान है जिसे जानने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना होगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति घूम फिर कर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी मुख्य आदतें वैसी की वैसी ही रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मन में अपने परिवार का ही विचार होता है। बता दें आपको कि व्यक्ति के अंत समय में उसे जो याद रह जाता है वैसी ही उसकी आगे की गति हो जाती है। परिवार की चिंता अंत समय में ज्यादा होती है तो व्यक्ति घूम फिर कर उसी परिवार की चिंता अंत समय में ज्यादा होती है तो व्यक्ति घूम फिर कर उसी परिवार में आ जाता है। अगले जन्म में वो किसी का बेटा बेटी या हालांकि दोबारा जन्म के बाद भी जो उसकी मुख्य आदतें हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। जब किसी भावना या इच्छा को लेकर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का जन्म उस इच्छा को पूरा करने के लिए होता है। कोई विशेष तरह का गुण अवगुण बीमारी या चिन्ह जो बिना किसी प्रयास के आपके अंदर आ जाते हैं वो पूर्व जन्म से ही संबंध रखते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाना गाते हैं क्योंकि वो पूर्व जन्म में अच्छा गाते थे और वो गुण इस जन्म में उनके अंदर आ गया। कुछ बच्चे बचपन से ही गीता के श्लोक पढ़ने लगते हैं क्योंकि वो पूर्व जन्म में इसे पढ़ते थे और वो आदत इस जन्म में आ गई। गुण ही नहीं अवगुण भी पिछले जन्म से इस जन्म में आ जाते हैं। आप ईश्वर के किसी विशेष रूप के प्रति आकर्षण रखते हैं ये बात भी पूर्व जन्म से संबंध रखती है। बता दें आपको कि यदि आपको जन्म से ही शिव के प्रति प्रेम है, आपको शिव के अलावा कोई और दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में आप शिव भक्त थे। इस जन्म में आपके पिछले जन्म के संस्कार आ गए। बता दें आपको कि पूर्व जन्म के कर्म यदि आपको लगातार बाधा दे रहे हैं तो आपको इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जो व्यक्ति सृष्टि का पहला गुरु है वो है शिव। कर्म बंधन यानी पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करें, शिव मंत्र का जप करें और एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत का अर्थपूर्ण पाठ भी कर सकते हैं। शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें और लोगों की सहायता करें। अपने कर्मों और विचारों को ईश्वर को समर्पित करें। इस विधि से आप अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट फ्राइडे स्पेशल रिपोर्ट।